नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से क्रॉस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। इसको मद्रास कटिंग भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है, फिर जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारा ये साड़ी का कपड़ा है वो देख लें किस तरीके का है। यहाँ पे ये देखिए, बाजू के लिए बॉर्डर लगा हुआ है और पीछे की साइड है वो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे और पीछे का पल्ला निकालना है। तो कपड़े को पहले हम डबल करके रखेंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट का नाप लेना है। इसकी जो चेस्ट है यहाँ पे 19 इंच है, 38 इंच का ब्लाउज है और इसकी जो लंबाई है 12.5 इंच, शोल्डर है 10 इंच। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लंबाई का नाप लेना है। तो 12.5 इंच है तो हम यहाँ पे लंबाई लेंगे 13.5 इंच। पीछे का गला हम डिजाइन का बनाएंगे तो यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे, शोल्डर हमने 5 इंच लिए। अब 38 इंच का ब्लाउज है तो 38 का हम आधा करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे 9.5 इंच आएगा। और आरुमल लेंगे वो लेंगे हम 6 इंच, आधा इंच की दूरी और इसमें ऐसे गोलाई 1.5 इंच लेंगे हम यहाँ पे सिलाई के लिए। पीछे की प्लेट का निशान लगाएंगे 5 इंच पे इस तरीके से। इसकी लंबाई रखेंगे 4 इंच प्लेट की। सबसे पहले हमें शोल्डर से कटिंग करनी है। अब देखिए, हमें पीछे का जो पल्लर है वो इस तरीके से रखना है तिरछा। अब देखिए, यहाँ पे हम 1/2 इंच कटिंग करेंगे इस तरीके से। 2 इंच लेंगे हम गले की चौड़ाई, 6 इंच लेंगे लंबाई, गोलाई में इस तरीके से कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे 13 इंच पे। अब 1 इंच लेंगे हम ऊपर की साइड और इसको हमें ऐसे तिरछा। अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे 9.5 इंच, 9.5 इंच का आधा करेंगे हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे टक्स का निशान 9 इंच पे, 2 इंच की दूरी रखेंगे, 2 इंच की दूरी यहाँ पे भी और इसके बराबर एक निशान। अब देखिए, हमें नीचे का जो तीरा है वो भी निकालना है। तो जैसे हमारी लंबाई पीछे के बराबर है यहाँ पे इस तरीके से, तो उससे हमें यहाँ पे 1.5 इंच ज़्यादा लेना है लंबाई में इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये नीचे का तीरा हो गया और ये प्लेट है और गले की कटिंग करेंगे। प्लेट का निशान ये हो गई हमारी 4 प्लेट है और ये नीचे का तीरा और ये हो गया हमारा पीछे का पल्लर। और यहाँ पे बाजू निकालेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए, चौड़ाई ज़्यादा है इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे चौड़ाई आ रही है 20 इंच और यहाँ पे आ रही है 15 इंच। तो देखिए, हमें क्या करना है, कपड़े को हमें ऐसे करके रखना है। यहाँ पे हमारी जो बाजू की लंबाई है वो 4 इंच की है। इसकी कपड़े की लंबाई हमें 5 इंच लेना है। कटिंग का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे लेना है हमें। अगर आप पे बाजू की कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से नहीं आती है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लें। मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से बाजू की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। चाहे कितना भी छोटा कपड़ा हो उसको आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमारी ये बाजू कट गई है और यहाँ पे हमें एक टुकड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि कटिंग में कपड़ा कम है। यहाँ पे हम एक टुकड़े को जोड़ेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारा साड़ी का कपड़ा है इसको हमें डबल करके रखना है। अब जैसे मैंने आपको कहा है पीछे का गला हम डिजाइन का बनाएंगे, कपड़े के ऊपर भी हम इस तरीके से रखेंगे तिरछा। जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है तिरछी, तो कपड़े की भी हमें तिरछी कटिंग करनी है। नीचे का तीरा है वो हम यहाँ से निकालेंगे। बाजू के लिए हमने दोनों को बराबर काटा है। अब मैं आपको इसके स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, अब हम प्लेटें डालेंगे। तो यहाँ पे हमें आधा इंच लेना है और इसको कम करते हुए उतारना है। यहाँ पे लेंगे हम एक इंच, इसको भी हमें कम करते हुए उतारेंगे। यहाँ पे भी आधा इंच लेंगे। और यहाँ पे भी आधा इंच लेंगे। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है क्योंकि ये तिरछा है ना आगे का पल्लर। अब देखिए यहाँ पे हम तीरे को जोड़ेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो अस्तर की पट्टी है वो 1.5 इंच की है, अब इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब इसी तरीके से हमें अपना दूसरा पल्लर तैयार करना है। अब देखिए हमारा दूसरा पल्लर भी तैयार है, अब हम इसमें काज वाली पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पे पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे। अब इसको हम अंदर के साइड दबाएंगे इस तरीके से। अब देखिए दोनों को हम इस तरीके से रख के देखेंगे तीरा हमारा बराबर है कि नहीं। अब इसके बाद हम गले में पाइपिंग लगाएंगे, आगे के जो पल्लर है इसमें पाइपिंग लगाएंगे, पीछे की साइड डिजाइन बनाएंगे। कपड़े को हमें तिरछा काटना है गले के लिए। यहाँ पे पट्टी को बराबर कर लें। अब गले के ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे।
अब यहाँ पे हमें ऐसे अंदर की साइड दबा के पाइपिंग बनानी है। अब देखिए यहाँ पे हमने गले में पाइपिंग भी बना ली। आगे का जो पल्लर है वो हमारा पूरा तैयार हो गया है। और आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।